मोर, बस बहुत हो गई है। मैं आपको इस तरह बेगानों के लिए जड़ता कुड़ता नहीं देख सकती हूँ। आपको कोई ना कोई मुनासिब फैसला इन लड़कियों के लिए करना होगा। वो आपकी इज्जत से खेलेंगी और आप, लोग ये नहीं देखेंगे कि वो कहां से आई हैं। उनको बस यही पता है कि वो इस घर में रहती हैं। मैं बता रही हूं, हमें इन लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, और वो जो फसाद की जड़ है ना, उसका तो इसी हफ्ते निकाह कर दें। इसी हफ्ते? वो कैसे? तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है? कौन करेगा इतनी जल्दी शादी? बिल्कुल है तैमूर, और अच्छा भला घर का देखा भाला लड़का है। आप मुझे बस इजाजत दें, इसी जुम्मे में इमल का निकाह करा देती हूँ। आखिर किससे कराओगी शादी? ऐसा कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारे हाथ में और घर का रिश्ता है? अरे अपना बाबर है ना, और बाबर मुझे इनकार भी नहीं करेगा, मुझे नहीं मना करेगा। बाबर? What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानती हो क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल दिमाग सही है, और बिल्कुल जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। इससे पहले कि हमारी बदनामी पूरे शहर में फैले, हमें इस गंग को साफ करना होगा। तैमूर, आपको क्यों नहीं ख्याल आता कि हमारी भी इस घर में जवान बेटी है? लोगों को पता चलेगा ये बात फैलेगी तो हम पे थू-थू करेंगे। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। अभी जो गलत हुआ है ना, उसे सही करना है, चाहे जैसे भी हो। बाबर से अच्छी चॉइस है ही नहीं। लड़की भी घर में रहेगी, अपनी आंखों के सामने रहेगी। आप मुझे इजाजत दे तो मैं अभी बाबर से बात करती हूँ। नहीं, अभी अभी जरूरत नहीं है, मैं सोचूंगा इस बारे में। आपके सोचने वोचने में सारे शहर को खबर हो जाएगी। पूरे शहर में हमारी बेइज्जती के झंडे गड़े हुए होंगे। अभी तो सिर्फ उसको मिलते हुए देखा है, आगे पता नहीं क्या क्या सोचा उस लड़की ने। अगर भाग भाग गई ना। तुम अपनी जुबान को लगाम दो रबिया, मुझे लोगों की नहीं तुम्हारी जुबान की फिक्र है। हाँ हाँ, आप मेरी ही जुबान की फिक्र करें। उन लड़कियों के करतूत तो आपको नजर ही नहीं आते ना। इस घर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। बस राबिया, बस बात खत्म हो गई। अब कोई बहस नहीं, कहा ना सोचूंगा इस बारे में।